तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो विवाद चल रहे हैं वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले जेनिफर मिस्त्री ने आसित मोदी पर इल्जाम लगाए थे, उसके बाद मोनिका भदौरिया ने आसित मोदी के बर्ताव के बारे में बात की थी, और अब फिर से एक बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा से ही खबर आई है कि प्रिया आहूजा, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रीटा रिपोर्टर का किरदार निभा रही थी, उन्होंने अब आसित मोदी पर इल्जाम लगाए है। प्रिया आहूजा ने ई टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर अपने दिल की बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से मुझे तारक मेहता की तरफ से शूट के लिए कोई कॉल नहीं आया, यह बात मुझे अब सही नहीं लग रही है। इसके बारे में प्रिया ने सोहेल को फोन करके बात की थी और आसित मोदी को उन्होंने मैसेज भी किया था, लेकिन काम के बारे में उनको कोई भी प्रतिक्रिया या रिप्लाई नहीं मिला। प्रिया ने आगे कहा, जेनिफर हो या मोनिका भदौरिया हो, मुझे लग रहा है कि वो लोग गलत नहीं बोल रहे हैं और उनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। प्रिया ने फिर कहा कि मुझे पिछले 9 महीनों से शो पर बुलाया नहीं गया है और उन लोगों ने मुझे मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। तो देखते हैं अब आसित मोदी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। तो फिल्मों के न्यूज व्यूज रिव्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए एक्स्ट्रा टेल।